पत्नी को अपने छोटे भाई के साथ आपत्तिजनक परिस्थिति में देखा, फिर हुई खून की होली, एक की हो जाती है मौत। दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी? इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है झारखंड के रांची की। झारखंड के रांची में राजन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था जिसकी उम्र थी 30 साल। दोस्तों आज से 2 साल पहले उसकी शादी हो जाती है और उसकी पत्नी का नाम होता है नेहा। और घर के अंदर पति पत्नी और उस राजन का छोटा भाई भी रहा करता था जिसका नाम होता है सूरज। 3 लोग घर के अंदर रहा करते थे। दोस्तों अच्छे से समय गुजर रहा होता है, जो राजन होता है बाहर कमाने के लिए जाता है और घर पर उसकी पत्नी और उसका छोटा भाई रहा करते हैं। समय गुजरते गुजरते दोस्तों क्या होता है, छोटा भाई जब उसके पास रहता है उसकी पत्नी के पास, तो उन दोनों में बातें होने लगती हैं और बातों ही बातों में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, इसका पता भी नहीं चलता है। दोस्तों अब दोनों भाभी और देवर प्यार को परवान चढ़ाने लगते हैं, क्योंकि राजन तो घर पर होता ही नहीं है और पीछे से दोनों देवर भाभी अपने प्यार को परवान चढ़ाया करते हैं। इसी तरह से मामला चल रहा होता है। दोस्तों कुछ दिन और गुजरते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद राजन अपनी ड्यूटी से एक दिन जल्दी आ जाता है और जल्दी आकर वह देखता है तो एक कमरे के अंदर उसका भाई और उसकी पत्नी बैठे हुए थे बेड के ऊपर और कुछ ऐसा कर रहे थे जो उनको नहीं करना चाहिए। उस चीज़ को राजन आकर देख लेता है और दोस्तों उनसे फिर लड़ाई करता है, अपनी पत्नी को धमकाता है और अपने भाई को अपने पास बिठाता है और उससे कहता है कि भाई ये काम ठीक नहीं है। बहुत ही प्यार से अपने छोटे भाई को समझाता है कि ऐसा काम नहीं किया करते, समाज में इससे बदनामी होती है। दोस्तों उसके बाद भाई उसका ये कह देता है कि आप हमें गलत समझ रहे हो, हम तो वैसे ही बेड पर बैठे हुए थे। और उसकी पत्नी भी ये कह देती है कि आप तो हमें उल्टा गलत समझ रहे हो, हम ऐसे वैसे नहीं हैं। दोस्तों फिर जो राजन होता है वह इस बात को आई गई कर देता है। फिर कुछ समय गुजरता है। फिर एक दिन राजन की रात को सोते समय 2 बजे आँख खुलती हैं। जैसे उसकी आँख खुलती हैं तो बेड पर उसकी पत्नी नहीं थी। वह अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए इधर उधर जाता है और फिर वह अपने भाई के कमरे में अपनी पत्नी को देखता है तो वहाँ पर उसकी पत्नी और उसका भाई आपत्तिजनक परिस्थिति में बेड के ऊपर नंगे पड़े हुए थे। दोस्तों यह देखकर वह गुस्से से लाल हो जाता है और वह अपनी पत्नी और अपने भाई के पास जाता है, एक लोहे की रॉड उठाता है और अपने भाई के सर में जोर से वार कर देता है। दोस्तों इतने वार करता है कि उसका भाई वहीं पर तड़पने लगता है और फिर उस लोहे की रॉड को अपने भाई के पेट में भी घुसेड़ देता है। दोस्तों उसका भाई वहीं पर प्राण गवा देता है, दम तोड़ देता है तड़प तड़प कर। उसके बाद उसकी पत्नी से, वह अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता है और वह जमीन पर अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं और पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो वह कहता है कि मेरी पत्नी और मेरा भाई एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक परिस्थिति में मैंने देखा है और यह बहुत ही गलत कर रहे थे मेरे साथ, मैंने इनसे मना किया था लेकिन फिर भी ये सुधर नहीं रहे थे, इसलिए मैंने अपने भाई को मार डाला। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हो, क्या उसे अपनी पत्नी को भी सजा देनी चाहिए थी या सिर्फ और सिर्फ उसने सजा दी अपने भाई को, या गलत किया या सही किया? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और उसको क्या सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उसकी पत्नी और उसका भाई गलत कर रहा था, तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हो। दोस्तों ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाकर लेकर आता हूँ जो कि सच्ची घटनाएँ होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।